हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में बोर्ड के द्वारा जारी हुआ क्लास 12 हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। ये बोर्ड ने खुद मॉडल पेपर को जारी किया है 2024 और 25 का, आप देख सकते हैं। हिंदी का ये पेपर है, वायरल पेपर है, क्योंकि बोर्ड ने जारी किया है तो कुछ ना कुछ इसमें खास जरूर होगा। समय 3 घंटा 15 मिनट, देख सकते हैं, पूर्णांक 100 नंबर का है। ये पेपर बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है और इसी पेपर से आप तैयारी करके जाते हैं तो आपका 100 में से 100 नंबर जरूर आएगा। पूरा पेपर देखिएगा, यूपी बोर्ड ने ये पेपर जारी किया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं नोट में कि प्रारंभ में 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, 2 खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है, ठीक है। 50-50 नंबर का 2 खंड होता है, जिसमें खंड का और खंड खा के प्रश्न होते हैं। पेपर वायरल है स्टूडेंट, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। वायरल पेपर है और बोर्ड ने जारी किया है खुद भैया। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न का नंबर क्वेश्चन है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के जो रचनाकार है कौन है, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है। टोटल आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 5 आपके गद्य के पूछे जाते हैं और 5 आपके पद के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के जो रचनाकार हैं वो दामोदर शर्मा हो जाएंगे, यानी सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक हिंदी की तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं, खासकर बहुविकल्पीय प्रश्नों को, अपना टेस्ट जरूर दे सकते हैं, क्योंकि भैया वायरल पेपर है, बोर्ड के द्वारा जारी हुआ, ठीक है। बोर्ड ने जारी किया है तो आपका काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। खा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग की पत्रिका है, इनमें से भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी हो जाएगी, कविवचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा या हंस। तो देखिए, कविवचन सुधा आपका भारतेंदु हरिश्चंद जी का शायद है, भारतेंदु युग की पत्रिका है। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग की। मर्यादा आपका हो जाएगा हंस आपका मुंशी प्रेमचंद जी का, ठीक है। गा नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। तो हिंदी गद्य साहित्य का द्वितीय उत्थान का प्रारंभ सेकंड वाला 1900 में हुआ, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी गा नंबर का आपका सा राइट आंसर, यानी सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धा नंबर, सेवा सदन के रचनाकार हैं। सेवा सदन के रचनाकार कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे जी, हरि कृष्ण प्रेमी प्रेमनंद प्रेमचंद जी या सेव आपके जैनेन्द्र। तो इनमें से प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, ये क्वेश्चन हाई स्कूल में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है किनको भैया, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है ये आप लोग बताइए। देखिए, किशोरी लाल गोस्वामी जी को, यानी इनमें से आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा 5 जो है गद्य के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि लेखक से रिलेटेड थे, ठीक है। अब हमारा आएगा कवि से रिलेटेड, पद्य के हमारे 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 2 दिया है, इसमें का नंबर क्वेश्चन है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, इनमें से एक आदिकाल का ग्रंथ नहीं है तो वो पद्मावत हो जाएगा, जो कि 4th वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। खा नंबर क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप के कवियों का संबंध है। तो भैया जो अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तकाल के कृष्ण भक्ति शाखा से, ठीक है, खा नंबर का आपका 4th वाला राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को हम बताएंगे, पेपर पूरा मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, और ऐसे ही आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 का पेपर देना है तो सॉल्व करके जाना है पूरे क्वेश्चंस को। मैं पूरा आपको तरीका बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको, बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर गा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देखिए का नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंगार और वात्सल रस के अमर कवि कौन है। तो जो सिंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं वो आपके हो जाएंगे कौन, सूर्यदास जी हो जाएंगे, ठीक है। यानी गा वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, घा नंबर देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा रचना विधा है भैया, ये उपन्यास हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, काव्य हो जाएगा, ये आपका निबंध, तो ये आपका काव्य हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है आप लोग कमेंट में बताइएगा। चांद का मुंह टेढ़ा क्या सुमित्रानंदन पंत की रचना है? जी हाँ दोस्तों, उन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, जो कि आखिरी क्वेश्चन है 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन में, कबीरवाणी के डिक्टेटर कथन है किसका, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर,
ठीक है, यानी अड़ा नंबर का आपका पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, तीन नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए या प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये दो गद्यांश दिए हुए हैं अथवा करके, ठीक है, ये अथवा करके आप दो गद्यांश को देख सकते हैं, एक ये आपका गद्यांश है और एक आपका ये गद्यांश है। तो इसमें बताया क्या गया है कि संदर्भ देते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो पाँच प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें हमें इन पाँचों प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें दो नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल पाँच प्रश्न है जिसके लिए 10 नंबर हमें एक गद्यांश को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, फिर हम उनका आपको उत्तर बताते हैं कि कैसे आप लोगों को उत्तर लिखना है। जैसा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हमें ये पहचानना है, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से। जब हम पढ़ लेंगे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा कि इस चैप्टर से लिया गया है। जैसे हम पढ़ते हैं, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अद्भुत भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन में अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जन के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अब आप लोग इतना पढ़ गए तो भैया आपको तो कुछ ना कुछ पता चल गया होगा। तो ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, क्लास 12 हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र के स्वरूप, उससे ये आपका लिया गया है। और उसके जो लेखक हो जाएंगे आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कौन हो जाएंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो हमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, कॉपी में आप लोगों को मैंने बताया है कि कैसे आपको संदर्भ और पूरे प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो दो नंबर हमारा कंफर्म हो गया स्टूडेंट, क्योंकि मैंने चैप्टर का नाम और लेखक का नाम बता दिया। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये जो रेखा खींची हुई है कि समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है, इसका हमें अर्थ बताना है, यानी पूरा अर्थ बताना है कि लेखक के अनुसार इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। बाकी का ये जो तीन क्वेश्चन, इसका आंसर इसी में मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वनस्पति अद्भुत भाव अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, ठीक है, एक प्रकार से रहते हैं। और ये देखिए, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है, तो देखिए ये अनेक लता वृक्ष, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जंगल में। ठीक है, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, तो यहाँ पर देखिए जल प्रवाह कहाँ गया, ये देखिए, हाँ ये देखिए, जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों में रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, तो ये आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, राष्ट्रीय जीवन में अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं, ठीक है, तो ये देखिए, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन में अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति समन्वय प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से लेकर यानी टोटल जो आपका होता है पूरा गद्यांश 10 नंबर आपको बिना पढ़े मिल जाएगा। आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए, बस आपको चैप्टर का नाम और रेखांकित अंश का व्याख्या करना आना चाहिए, आपको पूरा 10 नंबर में से 10 नंबर दिया जाएगा। बस आपको इसी में से जो बाकी तीन क्वेश्चन बचते हैं इसका आंसर आपको इन्हीं गद्यांश में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर का नाम था राष्ट्र के स्वरूप, उससे ये गद्यांश लिया गया था। अब अथवा करके मान लीजिए कि आपको ऊपर वाला नहीं समझ में आ रहा, तब आप ये नीचे वाला कर लीजिएगा, नए शब्द नए मुहावरे नए रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। अब आप यहाँ पर देखिए, चैप्टर का नाम ही आपको मिल गया भैया बीच में, ठीक है, गद्यांश में, इसमें भी आपको चैप्टर का नाम मिल गया था राष्ट्रीय, जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष, ठीक है, राष्ट्रीय जन, उसके बाद में संस्कृति, ये राष्ट्र के स्वरूप का संकेत आपको देती हैं। वैसे ही चैप्टर का नाम बताया गया भाषा और आधुनिकता। इसके जो लेखक हो जाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हो जाएंगे। समझ में आ गया, तो आपका इसमें भी दो नंबर बाबू कंप्लीट हो गया। अब बाकी के जो चार क्वेश्चन बचते हैं उसी तरीके से आपको हल करना है, जिस तरह से मैंने आपको ये पहला वाला हल करके बताया था। आप यहाँ पर बाकायदा देख सकते हैं, दोनों में से कोई एक हल कर सकते हैं और 10 नंबर आपको मिल जाएगा। इस पर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि बिना पढ़े गद्यांश को कैसे हल करें, ठीक है, और 10 में से 10 नंबर कैसे प्राप्त करें। जाकर वीडियो देख लीजिएगा गद्यांश और पद्यांश पर।
दोनों पर वो वीडियो बनाया गया है। तो दो आपका चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र के स्वरूप और भाषा और आधुनिकता। इस बार के पेपर में 100% इससे एक ना एक गद्यांश है आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी, तैयार कर लीजिएगा और ऐसे ही आप लोगों को गद्यांश को सॉल्व करना है। अब चलिए देख लेते हैं अगला। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, हमें पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। सेम प्रोसेस वही है गद्यांश की तरह है, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, टोटल 10 नंबर दिए जाएंगे। इसमें भी अथवा करके लिखा हुआ है, चाहे आप ये वाला कर लीजिए चाहे आप ये वाला कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को करना है और 5 प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दीजिए, आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रस्तुत पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो नील परिधान विच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, ओ वो मुख पश्चिम के व्योम, और बीच जब घिरते हो श्याम, ठीक है, घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। तो भैया हमें चैप्टर का नाम पता है, चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा आपका, चैप्टर का नाम हो जाएगा ही आपका, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका चैप्टर का नाम हो जाएगा श्रद्धा मनु। ठीक है, श्रद्धा मनु। इसके जो कवि हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद जी, कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद इसके कवि हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 नंबर हमारा यहाँ पर कंफर्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर आपको रेखा खींची हुई दिख रही है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ तक आपको कवि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इसका अर्थ बताए हुए हैं हिंदी में, आपको पूरा हिंदी में बाकायदा इसका हिंदी में अर्थ बता देना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए, बाकी इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए, कैसे देना मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऊपर वाला आपको यमुना छवि का नहीं आ रहा, तो आप ये वाला कर लीजिएगा जो कि नौका विहार से लिया गया है ये आपका। ठीक है, जो आपका पाठ है नौका विहार से, और इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे। ठीक है, सुमित्रा नंदन, ठीक है, पंत इसके कवि आपके हो जाएंगे। नौका विहार चैप्टर का नाम सुना होगा, इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो पद्यांश में मैं बात करूं तो आपका श्रद्धा मनु गीत जो कि महादेवी वर्मा जी का गीत हो सकता है, और जयशंकर प्रसाद जी का, और नौका विहार, इससे आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में पद्यांश आने वाले हैं। तो तैयार कर लीजिएगा, सभी पद्यांश को पढ़ लीजिए। ठीक है, इनमें भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम प्रोसेस है, कैसे हल करना मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को सारे प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्नोत्तर नंबर 5 पर कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी किन्हीं एक लेखक का आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। चाहे आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिख दीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, इन तीनों में से किसी एक को आपको करना है। देखिए शब्द सीमा आपको 80 शब्दों में जीवन परिचय को लिखना है, 3 नंबर आपको जीवन परिचय का दे दिया जाएगा, 2 नंबर उनकी कृतियों पर दे दिया जाएगा, टोटल 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने इन तीनों पर जीवन परिचय बना रखा है, कॉपी में भी कैसे लिखना है और वैसे जीवन परिचय मैंने बता रखा है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे जीवन परिचय को आप लोगों को लिखना है। सही तरीका क्या है, टॉपर एक स्टूडेंट जो होते हैं जीवन परिचय को कैसे लिखते हैं, टाइम भी उनका बचता है और पूरा नंबर भी उनको मिलता है। तो तरीका आपको वीडियो में मिल जाएगा, चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो ये लेखक का भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं अगला, यहाँ पर देखिए खा नंबर में देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी कोई एक कवि है उनका जीवन परिचय आप लोगों को देना है। ठीक है, हमने लेखक का बताया था, सेम प्रोसेस यहाँ पर चेंज होकर कवि का आ गया है, और कवि भी हमारे चेंज है, जैसे जयशंकर प्रसाद जी, इनका जीवन परिचय तो हर साल पूछा जाता ही, चाहे हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट। रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनका जीवन परिचय, इन चारों जीवन परिचय को आप लोग को अभी से तैयार कर लेना है। वीडियो मिल जाएगा चैनल पर, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक और बुक में देखकर इन जीवन परिचय को तैयार कर सकते हैं। वही सेम है, और 5 नंबर आपको दिया जाएगा, 3 नंबर जीवन परिचय, 2 नंबर कृतियों पर। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनका तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कि कहानी तत्व के आधार पर
कहानी जो तत्व है इसके आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, यानी सारांश आपको लिखना है इसके लिए, इसका समीक्षा करना है पूरा डिटेल में बता दीजिए, ठीक है। 80 शब्दों में जीवन पर इसमें सॉरी जीवन नहीं ये कहानी को लिखना है। 5 नंबर आपको दिया जाएगा और ये हर साल आने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपका खंडकाव्य, मैं आगे आपको बताऊंगा खंडकाव्य के बारे में, तो ये हर साल आता है। इसको तैयार कर लोगे तो आपका समझ लीजिए कि 5 नंबर रखा है, ठीक है। तो आपको इन सभी पर वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर, मैं इस वीडियो में जितनी भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना रखा है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ढूंढने में। आप जाएंगे हिंदी का प्लेलिस्ट खोलेंगे, सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा जो आपको इस पेपर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। तो जाकर देख लीजिएगा लेकिन इस वीडियो के तत्पश्चात। तो अथवा यहाँ पर देख सकते हैं, एक अथवा यहाँ पर लगा है, एक अथवा यहाँ पर। तो कर्मनाशा की हानि जो कहानी के प्रमुख पात्र हैं कौन है, कर्मना कुलदीप, तो उनके बारे में, या कर्मनाशा के कहानी भोरे पाणी, उनके बारे में आपको चरित्र चित्रण कर देना है, ठीक है। तो हमने चरित्र चित्रण भी करके आप लोगों को बताया है, चाहे आप बहादुर पर कर दीजिए या पंचलाइट पर कर दीजिए, ठीक है। टोटल 3 आपके ऑप्शंस दिए हुए, तीनों में से एक ना एक का कर दीजिए, 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। वही शब्द सीमा है, 80 शब्दों में लिखना है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर लिखिए, ठीक है। हमें स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर जो प्रश्न दिए हुए हैं निम्नलिखित, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अब जी हमारे जो हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के होंगे, कोई आगरा का होगा, कोई लखनऊ का होगा, कोई बरेली का होगा, ठीक है, कोई कहीं का होगा, 75 जिले उनमें से कहीं के होंगे, या आप लोग अदर बोर्ड के होंगे तो आप लोग अदर बोर्ड में देखिएगा। लेकिन हिंदी में आपके ये जो खंडकाव्य होते हैं अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग होते हैं, जैसे कोई ज़िले में रश्मरथी खंडकाव्य लगता है, ठीक है, जो कि कर्ण के बारे में बताना रहता है। श्रवण कुमार का भी खंडकाव्य लगता है, मुक्ति यज्ञ जो कि गांधी जी के बारे में है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैं बात करूं प्यारी स्टूडेंट तो त्यागपति खंडकाव्य हमारे यहाँ पर लगता है। इसमें बताया गया कि जो प्रमुख नारी पात्र हैं इनके बारे में चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डाले, तो इस पर मैंने वीडियो चैनल पर बना रखा है, लेकिन ये हर साल आता है। 5 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। यहाँ पर देखिए अथवा लगा है, या आप जो त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर जो प्रधान प्रमुख पात्र हैं इनके बारे में बता दीजिए। और इन सभी पर, यानी चाहे रश्मरथी हो, श्रवण कुमार हो, मुक्ति यज्ञ हो, या सत्य की जीत हो, या आलोक वृत्त हो, मैंने सभी पर वीडियो बना रखा है स्टूडेंट, ठीक है। आपको वीडियो कहाँ पर मिल जाएगा, चैनल पर मिल जाएगा, आप वीडियो सर्च कीजिए। और आप लोग कैसे पहचानेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन सा खंडकाव्य आपके पेपर में आएगा, तो उसके लिए सबसे ईजी तरीका है आपका बुक और आपका क्वेश्चन बैंक, ठीक है। वहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सर्च करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा खंडकाव्य हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ठीक है। तो हमारा 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है खंडखा, ठीक है। हमने अभी तक जितने भी सारी चीज़ों को पढ़ा है, 50 नंबर हमने कंप्लीट कर चुका हूँ। अब हमारा यहाँ से 50 नंबर का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है, उसको भी मैं कंप्लीट करके आपको बता देता हूँ। प्रश्नोत्तर नंबर 8 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। 7 नंबर आपको दिया जाएगा, 2 नंबर आपको दिया जाएगा जब आप इसका अनुवाद करेंगे, ठीक है, और 5 नंबर दिया जाएगा अनुवाद करने के लिए, 2 नंबर संदर्भ के लिए, ठीक है। अब देखिए एक आप लोगों को अथवा करके लिख रहा हो, जैसे या करके लिखा है ना, तो अथवा करके दोनों में से किसी एक को आपको संस्कृत का गद्यांश हल करना है। जैसे युवक मालवीय, अब चैप्टर का नाम पता चल गया तो आपके लिए संदर्भ बहुत ईजी तरीका हो जाता है, कैसे लिखना है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। संदर्भ आपको कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत भाग से लिया गया, महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया, ये आपका गद्यांश है, संस्कृत का गद्यांश है, बस 2 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। ये किससे लिया गया चैप्टर, महामना मालवीय चैप्टर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इससे आपका ये लिया गया संस्कृत का गद्यांश है। और ये आपका जातक कथा, ठीक है, जातक कथा जो चैप्टर है इससे लिया गया है। तो दोनों में से क्या करना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो संदर्भ के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। और जब आप इसका, यानी ये संस्कृत में लिखा है ना, इसका आप लोग हिंदी में मीनिंग बता दीजिए कि युवक मालवीय, यानी युवा मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी, यानी पूरा इसका हिंदी में अर्थ बता दीजिए। मैंने ऑलरेडी वीडियोज में कवर करा चुका हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो चैप्टर है संस्कृत का गद्यांश चैप्टर, जो श्लोक और गद्यांश पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊँ,
संस्कृत का गद्यांश आपका महामाना मालवीय चैप्टर से ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंचशील सिद्धांत, संस्कृत भाषायाम महत्व और जातक कथा, ये चार चैप्टर के सारे संस्कृत के गद्यांश को पढ़ लेंगे तो आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब मैंने संस्कृत के गद्यांश और श्लोक पर वीडियो बनाया हो कि कैसे अनुवाद करना है और कैसे संदर्भ को लिखना है, वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर बना रखा है, जाकर आप प्लेलिस्ट पर चेक करेंगे, नहीं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहां पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो या करके दोनों में से किसी एक को करना है जो आप लोगों को अच्छा आता हो, जिसका अनुवाद आपको आता हो वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए खंड, हमारा प्रश्नोत्तर नंबर का हमने बता दिया। ख नंबर में देखिए कि निम्नलिखित श्लोकों में से श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, ठीक है। अब ये श्लोक है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है आपको। 7 नंबर सेम प्रोसेस है जिस तरह से आपका हिंदी गद्य पद्य होता था, ठीक है, आपका गद्यांश थोड़े बड़े में होता था, सेम इसी प्रकार से संस्कृत का गद्यांश भी थोड़े बड़े में दिया हुआ है, लेकिन श्लोक और वहाँ पर पद्यांश थोड़े छोटे में होता था, तो यहाँ पर भी थोड़ा छोटे में दिया हुआ है। अथवा करके है, चाहे आप ये वाला कर लीजिएगा जो कि सुभाषित रत्नान, चैप्टर का क्या नाम है, सुभाषित रत्नान। नीचे वाला निपुत दिलीप, ठीक है, निपति दिलीप चैप्टर से लिया गया। तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, संदर्भ लिख दीजिए, इसका हिंदी में अर्थ बता दीजिए, 7 नंबर दे दिया जाएगा। अब मैं बात करूं श्लोक कौन कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। सुभाषित रत्नान एक नया चैप्टर हमारा ऐड हुआ है 2023 में, ऋतु वर्णनम, ठीक है, ऋतु वर्णनम और निपुत दिलीप, ठीक है, इन तीनों चैप्टर के श्लोक आप पढ़ लेंगे। खासकर सुभाषित रत्नान के तो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं 100%, तो इन तीनों चैप्टर के आप लोग इस श्लोक को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो है 7 नंबर कहीं पर नहीं गया, समझ लीजिए कि आपकी जेब में रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, संस्कृत में किन्हीं दो का उत्तर लिखना है। एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिया जाएगा जब आप एक प्रश्न का संस्कृत में उत्तर लिख देंगे। तो चलिए मैं लिखकर दिखा देता हूँ, जैसे ज्ञान में प्रदीन केन प्रज्वलित, ठीक है, तो आपका इस तरह से आ जाएगा कि ज्ञान में, ठीक है, प्रदीप, ज्ञान में प्रदीप दया दया नंदेन, ठीक है, लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, प्रज्वलित, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब दिलीप कस्य प्रदेश है, राजस्थ है, तो दिलीप अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये इसको हटा दीजिएगा, दिलीप अब आपका आ जाएगा समग्र, समग्र भूमंडली या भूमंडलस, ठीक है, समग्र, ये देखिए समग्र भूमंडलस राजा अस्थे। तो ये 2 क्वेश्चंस का आंसर इसी तरीके से संस्कृत में देना है, और मैंने आपको बता रखा है कि किन चैप्टरों से पूछा जाता है, वही जातक कथा, सुभाषित रत्नान, पंचशील सिद्धांत और भोजस्य उदारियम, इन्हीं सब चैप्टरों से आपके ये संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी तैयार कर लीजिएगा। अब प्रश्नोत्तर नंबर 10 में देखिए क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 10 का कि सिंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए, ठीक है, आपको क्या करना है, करुण रस और सिंगार रस का परिभाषा उदाहरण देना है आपको। तो 1+1 अंक दिए जाएंगे, यानी 1 नंबर आपको परिभाषा के लिए और 1 नंबर उदाहरण के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो तीनों टॉपिक है रस छंद अलंकार, इस पर मैंने हाल ही में वीडियो बनाया, जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए खा नंबर में श्लेष अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए, सेम प्रोसेस है, परिभाषा उदाहरण के लिए 1-1 नंबर। चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। अथवा करा है, चाहे आपको एक एक करना है, चाहे सिंगार का कर लीजिए, करुण का या श्लेष का या दृष्टांत का या चौपाई या दोहा का, ठीक है। ये तीनों टॉपिक पर मैंने रस छंद अलंकार पर वीडियो बनाया, जिससे 6 नंबर आपका आसानी से पक्का हो जाएगा, और ये हर साल पूछा जाता है, ठीक है, हर साल पूछा जाता है, कटेगा नहीं कभी, हर साल पूछा जाएगा, और तैयार कर लीजिएगा। मैंने बात किया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके रस छंद अलंकार हैं, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 11 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय में निबंध लिखिए, ठीक है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। अब यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर दिया हुआ है, तो 2+7 इसका मतलब क्या है, तो देखिए 2 नंबर आपको प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन के लिए दे दिया जाएगा, बाकी 7 नंबर जब आप पूरा यानी उसका अर्थ बताएंगे, पूरा निबंध लिखेंगे डिटेल में, लगभग 250 से 300 शब्दों में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। अब मैं बात करूं जो बोर्ड ने जारी किया है, भैया कौन कौन से निबंध आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है
बेरोजगारी की समस्या और समाधान, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ। दूसरा है सर्वधर्म स्वभाव, सर्वधर्म संभाव। तीसरा है किसी मेले का आंखों देखा वर्णन या किसी क्रिकेट का आंखों देखा वर्णन। कोई क्रिकेट ग्राउंड में आप लोग गए और वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि भैया मैच चल रहा है, तो आंखों देखा यानी पूरा जो आपने मेले में देखा, जो आंखों देखा वर्णन, आप लोगों को पूरा डिटेल में 300 शब्दों में लिख देना है, ठीक है। और मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास या जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में भी पूछा जाएगा। तो टोटल बोर्ड ने जारी किया है 4 आपके निबंध, इन चारों में से आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम में एक ना एक देखने को मिल जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा, 100% आ सकता है। अगला देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 12 का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके का नंबर के भी पहले क्वेश्चन से कि पावक का संध विच्छेद होगा, तो पावक का संध विच्छेद क्या हो जाएगा, इन चारों में से आपको बताना है क्या हो जाएगा। स्टूडेंट, इनमें से आपका पोधन अका हो जाएगा पावक का संध विच्छेद, यानी 12 नंबर का आ क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रेजिते का संध विच्छेद होगा, तो जो भैया प्रेजिते का संध विच्छेद हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सा वाला, प्रेधन एजते हो जाएगा प्रेजिते का सही संध विच्छेद, ठीक है। एक एक नंबर का ये 3 प्रश्न होता है और 3 नंबर होता है हर साल, ये भी आपका संध विच्छेद बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तीसरा है पुस्तकालय में संधि हो, जो पुस्तकालय में संधि होगा वो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि, स्वर संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। तो पुस्तकालय में मैं संधि की बात करूं प्यारे स्टूडेंट, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पुस्तकालय में आपका स्वर्ण संधि हो जाएगा, यानी बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 हमारा संध विच्छेद कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, अब हमारा खा वाला आ गया है जो कि प्रश्नोत्तर नंबर का 12 प्रश्न है, 12 का खा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक का, ठीक है, किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए, यानी हमें क्या करना है, हमें एक एक नंबर दिया जाएगा, यानी टोटल 2 नंबर दिया जाएगा, किसी एक का करना है, क्या करना है हमें, समास विग्रह करना है, उसका समास का नाम लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिख देता हूँ, जैसे इन तीनों में से मैं प्रत्येकम का करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं समास विग्रह यहाँ पर लिख देता हूँ, समास विग्रह कैसे करेंगे, देखिए एकम, ठीक है, एकम एक प्रति, ठीक है। अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, अव्यभाव, अभी भाव, अभी हमारा क्या प्यारे स्टूडेंट, ये हमारा समास का नाम है, समास का नाम ये हमारा, ठीक है, समास का नाम, और ये हमारा समास विग्रह, एकम एक प्रति यानी एवी भाव, प्रत्येकम का ये अर्थ है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आप लोगों का हल करना है, बोर्ड एग्जाम में इस तरह से भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट, और ये बहुविकल्पीय टाइप के भी क्वेश्चंस आपके समास विग्रह में पूछे जाते हैं, तो घबराना नहीं है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि जो भी तरीके से पूछा जाए, आप लोग हिंदी का हमारा कॉपी वाला वीडियो देख लेंगे, उसमें पूरा डाउट हमने क्लियर किया है कि पूरी हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए, आवेदन पत्र भी आप इसको कह सकते हैं या प्रार्थना पत्र कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रार्थना पत्र इसलिए स्टूडेंट क्योंकि बैंक में प्रबंधक को क्या है, खाता खोलने के लिए ये आवेदन पत्र है। तो देखिए 6 नंबर आपको सामान्य हिंदी में दिया जाता है, जो सामान्य हिंदी के हमारे स्टूडेंट हैं उनको 6 नंबर दिया जाता है एक पत्र लेखन के लिए, लेकिन हमें क्या दिया जाता है 8 नंबर, क्योंकि साहित्यिक हिंदी का ये पेपर है तो 8 नंबर आपका कंपलसरी है, अथवा करके दिया हुआ है, चाहे आप ये वाला कर लीजिएगा कि शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिलाधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को करना है, जो भी आपको सही आता हो, प्रश्न का उत्तर जिसका आता हो वो कर लीजिएगा। मैंने हाल ही में वीडियो बनाया हुआ है कि पत्र लेखन कैसे लिखना है और कौन से 5 पत्र ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, पत्र लिखने का सही तरीका क्या है, वो वीडियो जाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बाकायदा पूरा डिटेल में समझाया है स्टेप बाय स्टेप कि बिना पढ़े पत्र कैसे आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर का नंबर क्वेश्चन है और इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए, ठीक है, किसी एक शब्द का हमें करना है। तो देखिए जैसे मैं आपको ये वाला करके दिखा देता हूँ, सा वाला आपका हो जाएगा दा धातु, ठीक है, दा धातु। अब इसका हमें क्या बताना है, प्रत्यय बताना है, तो ये आपका कत्वा हो जाएगा, दत्वा का कत्वा हो जाएगा,
दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। ठीक है, हमें किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है, तो जैसे मैं प्रभुत्ता का कर देता हूँ, तो प्रभुत्ता में क्या आपका हो जाएगा, त्वा, तो आपका आ गया त्वा प्लस अति, इसका ये आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, ये आपका प्रत्यय हो गया। प्रभुत्ता का त्वा होता, जैसे यहाँ पर दत्वा का दा धातु था, फिर इसका प्रत्यय आ गया कत्वा, सेम उसी प्रकार से अति इसका आ गया प्रभुत्ता का। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों का मैंने उत्तर यहाँ पर आपको देख सकते हैं दे दिया है, जो कि हमारा 14 नंबर का नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि खा नंबर में है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है खा नंबर का, जो कि 14 नंबर प्रश्न का खा नंबर है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। तो पुत्रेण सह ग्रामा अविता वृक्षा समति या कृष्णायरमा, तो हमें ये वाला करके दिखा देता हूँ, किसी एक का करना है जिसके लिए दो नंबर हमें दिया जाएगा। तो इसका अर्थ मैं दिखा देता हूँ हिंदी में कि गांव, ये हटा दीजिए, गांव के चारों ओर वृक्ष है। ठीक है, गांव के चारों ओर वृक्ष है। अब इसका क्या पूछा गया है कि विभक्ति क्या हो जाएगा, तो ये आपका द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। मैंने कॉपी में आपको बाकायदा बताया द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, कैसे लिखना है आपको ये क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर क्या नियम पूछा गया, यानी सूत्र पूछा गया है, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, अविता परिता समया निकसा, ठीक है, हा प्रतियोगी। ठीक है, अब यानी ये जो गांव के चारों ओर ये आपका ग्राम अविता वृक्षासंत दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं अविता दिया हुआ है, यानी अब यहाँ पर अविता ये देख सकते हैं अविता, यहाँ पर ग्रामा परिता, इस तरह से भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो मैंने बताया है ये इसी का पूरा मीनिंग निकाल कर देता है। मैंने कॉपी वाले वीडियो में मैंने समझाया है पूरा डिटेल में, कॉपी में कैसे लिखना है वो जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा। हाल ही में मैंने कॉपी का पूरा कंप्लीट बताया हुआ है कि एक टॉपर बच्चे ने हिंदी की कॉपी कैसे लिखा है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे पेपर को सॉल्व कर दिया है, जो कि यूपी बोर्ड UPMSP जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद जो आपकी बोर्ड पेपर कराती है उसने ये पेपर को जारी किया है। ये पेपर आप लोग कंप्लीट देखे होंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होगी। इसमें बताए गए एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके इस बार 2025 के बोर्ड पेपर में 100% इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।